दोस्तों, क्या आपका मोबाइल हैंग हो गया है या आपका नीचे गिरने से आपका जो वीवो का मोबाइल है जो टच वर्क नहीं कर रहा है? तो अगर आप उसको स्विच ऑफ करके ऑन करने की भी कोशिश करेंगे तो ऑफ करने के लिए आपके पास जो ऑप्शन है जो टच वर्क नहीं कर रहा है, तो आपको भला सोचेगा कि अब कैसे क्या करें। तो इसके लिए इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से जो वीवो का मोबाइल है आपका उसको एक बार स्विच ऑफ करके ऑन करके आपको ट्राई करना है कि वास्तव में इसका टच खराब हुआ है या नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ वीवो का मोबाइल को कैसे स्विच ऑफ करके ऑन करते हैं बिना किसी टच वर्क किए। तो सबसे पहले आपके पास वीवो का मोबाइल होगा, ये फिलहाल जो मेरे पास हुआ है वीवो का मोबाइल वो है Y81। तो इस मोबाइल में है, जो हो सकता है अलग अलग वर्जन में अलग अलग ऑप्शन हो, लेकिन फिर भी मैं आशा करता हूँ कि ज़्यादातर मोबाइल वीवो मोबाइल में कुछ इसी तरह का ऑप्शन स्विच ऑफ करने के लिए दिया होगा। तो अगर आप स्विच ऑफ का ऑप्शन बटन दबाएंगे तो है जो टच वर्क नहीं करने के कारण जो आपको स्विच ऑफ करने के लिए यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपका जो वीवो का मोबाइल है इसको पावर बटन उसको दबा के रखना है, उसके साथ में वॉल्यूम बटन है दोनों भी, और दोनों वॉल्यूम बटन को एक साथ दबाना है और फिर पावर बटन को दबा के रखना है। यानी कि पहले दोनों वॉल्यूम प्लस और माइनस दोनों को दबा के फिर आपको पावर बटन पे हाथ रख के उसको है जो दबा के रखना है। तो मैं यहाँ पे कुछ 10 से 15 सेकंड को प्रेस करके रखूँगा और प्रेस करने के बाद में आप देख पाएंगे कि किस तरह से है जो मोबाइल ऑटोमेटिकली है जो ऑफ होके ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये जो प्रॉब्लम हुआ है, हो सकता है नीचे गिरने से अगर ऐसा हुआ है तो है ऑन करने के बाद, मैं आशा करता हूँ कि 90% है जो ठीक हो जाएगा। अगर उसके बाद में भी अगर आपका टच वर्क नहीं कर रहा है तो हो सकता है आपको टच है जो चेंज कराने की ज़रूरत पड़े। अगर ये ऑप्शन दोस्तों हैंग होने से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और तो मोबाइल में किया हूँ, आप स्विच ऑफ हो रहा है और आशा करता हूँ दोस्तों ऑन होने के बाद में है जो आपका मोबाइल का टच वर्क करना है जो शुरू हो जाए। अगर आपका मोबाइल टच वर्क करना स्टार्ट हो जाए दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद, तो कमेंट्स बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके हमें वीडियो से आपके जो कमेंट्स से मेरे को वीडियो बनाने पे इंस्पायर हो सके और मैं जो इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो बना के आप लोगों को दिखा सकूँ। तो दोस्तों, कुछ ही सेकंडों में वीवो का मोबाइल चालू होने वाला है। एक्चुअली ये एक डेमो के तौर पर किया हूँ, ऐसे प्रॉब्लम मैंने बहुत सारे है जो चेक किए हैं जिसका है जो टच वर्क नहीं कर रहा था, लेकिन हमने स्विच ऑफ करके है जो ऑन किया है उससे टच वर्क करना शुरू हो गया। तो आपको है जो यहाँ पे भी एक बार है जो दिखाने के लिए तौर पर मैं आपको बता सकता हूँ कि जो ऑफ करने के ऑन करने के बाद में है जो टच इजीली वर्क करता है। तो अगर आप किसी मोबाइल की दुकान में जाते तो वो आपको बोलेगा टच चला गया, तो उसे बार एक बार ये ट्राई करना अच्छा रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।